तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आपका स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी मज़ेदार और कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक कार को समझ रहा था कबाड़ा कार और उस कार को इग्नोर भी कर रहा था, लेकिन उसी कबाड़ा कार ने उसे रातों रात करोड़पति बना डाला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते, भूल जाते, प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका भाई कहाँ कहाँ से आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो सर्च करके लाता है। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ही मज़ेदार वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ऐसा ही वाक्या टेक्सास के डलास शहर में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुआ। इस शख्स के पास पिछले कई सालों से एक कबाड़ा कार पड़ी हुई थी। जब यह शख्स उस कार को बेचने गया तो उसकी कीमत करोड़ों में निकली। दरअसल यह कार 1958 में बनी कुछ खास कारों में से एक थी। तो चलिए हम इस कार की खासियत के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह कार अपने जमाने की सबसे तूफानी कार थी। यह कार पोर्स की 1600 सुपर स्पीड स्टार वाली शानदार लग्जरी कार थी। इस कार को एक शख्स ने सेकेंड हैंड में खरीदा था और इसे वह शख्स नया बनाकर चलाना चाहता था, पर कुछ कारणों की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। यह कार उस शख्स के पास कई दिनों तक पड़ी रही, जिसके बाद यह कार कबाड़ा में तब्दील हो गई। जब इस शख्स ने कार को बेचने के लिए एक कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी वाले ने जब इस शख्स को कार की कीमत बताई तो वह हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि यह उस दौरान की पोर्स की सबसे बेहतरीन कार है। इस कार की कबाड़ा हालत में भी कीमत 1,20,00,000 रुपए मिल जाएगी। यह कीमत वर्तमान में मिलने वाले पोर्ट्स की स्पोर्ट कारों से कई गुना ज्यादा थी। इतना कीमत पाकर यह शख्स रातों रात अमीर बन गया। दरअसल इस कार को कंपनी वापस खरीदना चाहती थी। यह कार पोर्ट्स कंपनी का एक बेहद रेयर मॉडल था। इस कार में 1582 सीसी और 60 हॉर्स पावर वाला इंजन लगा हुआ था। यह कार 1950 के दौर में हवाई जहाज चलाने के बराबर थी। इस कार में लगा रेयर स्पीडोमीटर माइलेज की जगह माइल्स दिखाता है। रफ्तार के मामले में यह कार किसी जेट प्लेन से कम नहीं है। इस कार में लगी सीटें राजमहल के किसी गद्दे से कम नहीं लगती। तो फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और आप इसको शेयर कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ही मज़ेदार वीडियो मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।